दोस्तों हमारा शरीर या हमारे बच्चे का शरीर, हम लोग डेली ऐसे बहुत से जर्म्स हैं जिनके लिए एक्सपोज होते रहते हैं। ये जो कीटाणु हैं ये हमारे शरीर में जाके हमें बीमार कर सकते हैं, बच्चे को बीमार कर सकते हैं, और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो जानलेवा भी हैं। और इनसे कौन हमारी रक्षा करता है? इनसे हमारी रक्षा करता है हमारा डिफेंस सिस्टम। हमारा जो ये इम्यून सिस्टम है, ये इन सब कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। तो ये तो क्लियर है ये बात कि जितना मजबूत हमारा ये डिफेंस सिस्टम होगा, जितना मजबूत हमारी ये जो रक्षा प्रणाली है ये होगी, हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे, इन कीटाणुओं से हम बच करके रहेंगे। और हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो ये इम्यून सिस्टम है, इसकी मजबूती हमें कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी हमें राइट काइंड ऑफ फूड से। यदि हम अच्छा खाना खाएंगे, अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाएंगे, तो हमारा जो रक्षा तंत्र जो है, हमारी जो रक्षा प्रणाली है, ये मजबूत रहेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी चर्चा करूंगा, उनके बारे में नॉलेज शेयर करूंगा, जो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसको मजबूत बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये एक तरह से हमारी रक्षा करता कैसे है, या जो हम जो फूड हैं, जो हमारे ये जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, जो मैं जिन न्यूट्रिएंट्स की आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ये दो या तीन तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छा खाना जो है, ये हमारे जो डिफेंस सेल्स जो हैं, जिनको हम WBCs बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। दूसरे तरीके के अंदर वो कैसे उन कीटाणुओं से लड़ेंगे, वो जो फाइटिंग है उसके लिए जो एक बेटर प्लान है वो बना सकते हैं, या फिर वो उनको एक फाइटिंग की एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये सारे के सारे काम तब होंगे जब हमारा खाना अच्छा होगा, हमारा फूड अच्छा होगा। और ये जो तीन न्यूट्रिएंट्स जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूँ, इन तीनों को 1+1+1=2, ये 3 नहीं होंगे, ये 4 होंगे। 4 इन द सेंस, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये एक सिनर्जी का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। सिनर्जी का मतलब जब हम अच्छी चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो उनकी जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। तो ये 1+1+1=3 नहीं है, ये 4 है। और इस न्यूट्रिएंट्स में जो नंबर 1 है वो है विटामिन सी। मैंने अभी जितनी रिसर्चेस देखी हैं उसमें इम्यूनिटी बूस्टर से रिलेटेड जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें नंबर 1 टॉप लिस्ट के ऊपर है विटामिन सी। अब ये विटामिन सी कैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है? ये हमारी जो WBCs हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे अभी बात करी, जो हमारी डिफेंस सेल्स हैं, उनकी संख्या को बढ़ाता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरफेरॉन्स होती हैं, ये एक तरह की एंटीबॉडीज़ हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि इंटरफेरॉन हमारी सेल्स के ऊपर जाकर एक तरह की कोटिंग कर देती हैं, और इस कोटिंग की वजह से बाहर से आने वाला कोई वायरस या दूसरा कोई बैक्टीरिया या कोई भी जो जर्म्स हैं वो उस सेल में एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो ये जो इंटरफेरॉन है उनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं, WBCs हैं उनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं। विटामिन सी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम HDL बोलते हैं उसकी मात्रा को बढ़ाता है, बेकार कोलेस्ट्रॉल जो है उसे घटाता है। इसके अलावा विटामिन सी अगर कॉलन कैंसर है, कॉलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट का कैंसर, कॉलन, ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट, इन कैंसर्स को होने से बचाता है। तो विटामिन सी बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट है। किस डाइट के अंदर मिलेगा? आप और हम अच्छे से जानते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, जो खट्टे फल हैं, वो विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स हैं। आप अपने बच्चे को संतरे खिलाइए, मौसमी खिलाइए, कीवी फल जो है वो बहुत अच्छा इसका एक सोर्स है, कीवी फल खिलाइए। इसके अलावा आप उसे अमरूद दे सकते हैं, पपीता है उसके अंदर ही अच्छा मिलेगा, और स्ट्रॉबेरीज के अंदर अच्छा है। आप सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि संतरा या अमरूद इनमें से विटामिन सी का अच्छा सोर्स कौन सा है? अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं, रेगुलर बेसिस पर आप देख रहे हैं, तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। एंड प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि संतरा अच्छा सोर्स है विटामिन सी का या अमरूद अच्छा सोर्स है। अब मैं आता हूँ न्यूट्रिएंट नंबर 2 के ऊपर, सेकंड न्यूट्रिएंट। विटामिन सी की बात हो गई है, ये है विटामिन ई। हमने खूब अच्छे से सुना हुआ है, और विटामिन ई का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारी, उसमें दो तरह की सेल्स को प्रभावित करता है। उसमें एक सेल तो होती है
NK सेल्स जिसे हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स, और जो दूसरी सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं बी सेल्स। इन दोनों सेल्स के ऊपर इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो नेचुरल किलर सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो आपको बाहर के जर्म से तो बचा ही रही हैं, प्लस हमारी बॉडी की कोई सेल यदि खराब होती जा रही है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैंसर वाली सेल्स में होता जा रहा है, वो उसमें बदलती हुई जा रही है, तो उसको भी ये ख़त्म करते हैं। मतलब हमारी जो NK सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, वो जर्म से भी बचा रही हैं बाहर से, उनको भी मार रही हैं जहाँ जहाँ पर वो छुपे हुए हैं, प्लस हमारी बॉडी की कोई सेल खराब हो रही है, कैंसर में कन्वर्टेड होती जा रही है, तो उससे भी NK सेल्स बचा रही हैं। और इन जो नेचुरल किलर सेल्स हैं इनकी संख्या को कौन बढ़ा रहा है? विटामिन ई। और इसके अलावा बी सेल्स का जो मैंने आपको बताया, ये बी सेल्स क्या करती हैं, जैसे ही बाहर से कोई कीटाणु हमारी बॉडी में आ रहा है, बी सेल्स जो होंगी वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाती हैं। आपने खूब वर्ड सुना होगा इस कोविड एरा के अंदर, कोरोना के अंदर हम लोगों ने खूब ये वर्ड सुना एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज कौन बना रहा है हमारी बॉडी में? एंटीबॉडीज बना रही हैं बी सेल्स। और जैसे बी सेल ने एंटीबॉडीज बनाई, ये एंटीबॉडीज जो बाहर से वो बैक्टीरिया आ गया है उसको ख़त्म करती हैं। और इन बी सेल्स के लिए अच्छा क्या है? विटामिन ई, वो इनकी संख्या को बढ़ा के रखता है। इसके अलावा विटामिन ई जो है हार्ट के लिए, अगेन वापस बता रहा हूँ, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और विटामिन ई के सोर्सेज क्या हैं? विटामिन ई आपको मिलेगा ज़्यादातर पॉली अनसेचुरेटेड ऑयल्स जो हैं उनमें, सीड्स के अंदर, चाहे वो आपके पास में सनफ्लावर है, सेफ्लावर कैनोला का ऑयल है, या फिर सफोला वाला जो हम यूज करते हैं उसके अंदर मिलेगा। बादाम, आलमंड्स जो हैं वो विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स हैं। आप रात को अपने बच्चे के लिए 2 या 3 बादाम जो है भिगो के रखें और सुबह उसकी डाइट में दें, तो बादाम आलमंड्स जो हैं वो विटामिन ई का अच्छा सोर्स हैं। उसके अलावा पीनट बटर, उसके अंदर भी विटामिन ई अच्छी मात्रा के अंदर है। तो दोस्तों ये हैं विटामिन सी और विटामिन ई। इसके बाद जो तीसरा न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट है हमारे पास में कैरोटीनॉइड्स। ये कई तरह के होते हैं, उसमें जो अच्छा जो मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ वो है बीटा कैरोटीन। देखिए बीटा कैरोटीन कहाँ है, हम लोगों को सबको पता है कि गाजर खाई, गाजर उसका बहुत अच्छा सोर्स रहता है। और ये बीटा कैरोटीन करता क्या है कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है ये विटामिन ए के अंदर कन्वर्टेड हो जाता है, मतलब ये विटामिन ए का प्रीकर्सर है। और विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर एक गहरा प्रभाव डालता है, उसे मजबूत बनाता है। आँखों की रोशनी के लिए तो अच्छा है ही है, आँखों की हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा है, प्लस हमारे को इम्यूनिटी के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से उसे प्रभावित करता है। आप अपने बच्चे को कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो है वो उसकी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करके रखिएगा। इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं कैरोटीन के? कैरेट्स के अंदर जैसे मैंने आपको बात करी, गाजर के अंदर हैं, स्वीट पोटैटोज जो हैं उसमें है, पम्पकिन के अंदर है, मैंगो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड एप्रिकॉट, ये वो है जो कि एक अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा मैं आपसे अभी कम्युनिटी के अंदर पोस्ट करूंगा जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन, इनके जो अलग सोर्सेज हैं वो उससे रिलेटेड एक पोस्ट मैं अपनी कम्युनिटी पे डाल दूंगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इनके अदर सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन न्यूट्रिएंट थे जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, विटामिन सी, विटामिन ई एंड बीटा कैरोटीन। आप अपनी डाइट में, अपने बच्चे की डाइट में इनको जरूर इंक्लूड रखिए, इनके सोर्सेज का आपको पता होना चाहिए, और ये आपके बच्चे को बाहरी बीमारियों से, कीटाणुओं से, इन जर्म से बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। तो आज का जो मेरा एक क्वेश्चन था कि संतरा ज़्यादा अच्छा सोर्स है या अमरूद विटामिन सी का, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ कुछ मोटिवेटिंग कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर पोस्ट करा करें, उससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है, मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।